तो मैं आज आप लोगों को निफ्टी 50 में एक लाइव बैक टेस्ट करके स्ट्रेटजी बताऊंगा जो आप लोगों को लाइव मार्केट में ही काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। तो इसके लिए मैं आप लोगों को ऑप्स्टा पे ले आके यहाँ पे ऑप्शन पे आके मैं ऑप्शन सिमुलेटर पे क्लिक करके आप लोगों को वो स्ट्रेटजी बताता हूँ। तो आप ध्यान से देखें, तो कोई एक मैं रिसेंट का ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं 3 मार्च का लेता हूँ और यहाँ पर मैं 3 मार्च से पहले ये एक्सपायरी था 24, तो 25 तारीख को इसका मैं लेता हूँ। 1 वीक पहले लेना है तो उसे मैं ये 10 तारीख को कर देता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा 5 मिनट हट के एट द मनी कोई एक अच्छा सा मतलब नज़दीक कोई एक प्राइस देख लेते हैं। यहाँ पे 16,610 यानी कि 16,600 एट द मनी ठीक ठाक है। तो यहाँ पे आप लोगों को मान लो एक्सपायरी जब होगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, कैंडल को ओपन करके दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं 3 मार्च का एक्सपायरी मैंने इसका शुरुआती में जब ये शुरू हुआ है फ्राइडे को थर्सडे, तो ये एक्सपायरी हुआ है लास्ट वाला, ये शुरुआती हुआ है ना, तो यहाँ से ही आप लोगों को शुरू करना है। आप जिस भी दिन करें, जस्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जितना हो सके आप एट द मनी पे ही लेने की कोशिश करें। तो यहाँ पे ये वाला एट द मनी है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को सेल करना है। आप अपने कैपिटल के हिसाब से, मैं कितना कैपिटल लगेगा वो मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे मैं 4 लॉट ही ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल। आप अपने कैपिटल के हिसाब से जब मैं दिखाऊंगा वो आप देख लेना। फिर आप लोगों को क्या करना है, उसका नेक्स्ट एक्सपायरी, नेक्स्ट एक्सपायरी क्या होगा यहाँ पर 10, तो 10 तारीख को आप लोगों को सेम जाके एट द मनी पे 16,600। तो यहाँ पे अभी आप लोगों को सेम लॉट पे बाई करना है, 16,600 बाई करना है। तो यहाँ पे आप प्रीमियम देखें, यहाँ पे आप मान सकते हो 240 240, और यहाँ पे आप मान सकते हो 360 और 350। तो ये एक अच्छा प्राइस है, उतना ज़्यादा भी नहीं है, यह वाला जितना कम होगा वो उतना ही आप लोगों को बेनिफिट देगा। तो आप ऐसे ढूंढें कि ये ज़्यादा कम प्राइस में हो, जिस वीक में होगा वो आप ले लो, आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा ही मिलेगा। जस्ट मैं अभी एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिया हुआ हूँ, तो आगे जाके मैं लाइव टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो 1 डे करके जाऊँगा, ये वीकली आप उसे अप्लाई करेंगे, ये इंटरडे बेसिस नहीं है। तो यहाँ पे 1 डे पे गया हुआ हूँ, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा प्रॉफिट इतना है 4 लॉट पे। तो इसी हिसाब से आप कितना लॉट पे करोगे वो आप ना देख लेना। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे, तो ये आप देख सकते हो प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप लोगों को करंट वाला जो एक्सपायरी लिया हुआ है वही तक रुकना है, ये तो 2 तारीख आ चुका है, 3 तारीख को आप लोगों को निकल जाना है। तो मैं सजेस्ट करूँगा यहाँ पे जब आप लोगों के एक एस्टिमेटेड तो होगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी प्रॉफिट हो जाए, एक एस्टिमेटेड जब प्रॉफिट होगा, जैसे यहाँ पे हुआ है 4 लॉट पे, इतना सफिशियंट है निफ्टी पे ना, सफिशियंट है, यहाँ से आप निकल सकते हो। फिर भी मैं और एक डे चला जाता हूँ, 3 तारीख को ही चला जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से आप लोगों को अभी बिल्कुल भी निकल जाना है, वेट नहीं करना है। तो आप अपना एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो भी होगा वो आप करके आप अपना निकल जाना। मैंने आप लोगों के लिए 100% मनी बैक गारंटी के साथ शेयर मार्केट का वो सीक्रेट जो बड़े बड़े ट्रेडर जानते हैं वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा विथ 100% मनी बैक गारंटी के साथ। आप घबराएं मत, आप लोगों को ऐसा सीखने को मिलेगा जो आप लोगों का शेयर मार्केट जानी पूरी तरीके से बदल देगा। तो कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई कन्फ्यूजन है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और यहाँ पे आके आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा इसका। तो यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बास्केट ऑर्डर पे जाके ये वाला दिखा देता हूँ कि कितना पैसा लग सकता है। यहाँ पे एट द मनी अभी चल रहा है 16,650, आप मान सकते हो यहाँ पे निफ्टी का 16,650। तो इसको मैं कर लेता हूँ 4 लॉट पे सेल 16,650, और पी को भी कर लेता हूँ सेम लॉट पे सेल। ये करंट ये आप देख सकते हो, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 16,650 का नेक्स्ट एक्सपायरी ये है ना, तो यहाँ पे कर लेंगे बाई 4 लॉट पे, और यहाँ पे 16,650 पी को भी कर लेना है बाई। तो 4 लॉट 4 लॉट 4 लॉट ठीक है।
तो यहाँ पे आप लोगों को प्रीमियम इतना लगेगा 2 लाख के आसपास, तो आप अपने कैपिटल के हिसाब से ये एडजस्ट कर सकते हो। तो उसे मैं क्लोज करके निफ्टी पे जाके आप लोगों को दिखाता हूँ, ये डे पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक ट्रेंडिंग डे पकड़ लेता हूँ, तो यहाँ से मैं ये ट्रेंडिंग डे है तो यहाँ पे 22 दिसंबर से शुरू हुआ है, तो देख लेते हैं ये वाला लेता हूँ, 30 दिसंबर को लेता हूँ। और ये 30 दिसंबर का है, तो मुझे यहाँ पे ये वाला 26 दिसंबर 2021 का लेना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा हट के देख लेता हूँ एट द मनी यहाँ पे 17100 आप मान सकते हो, 17100 एट द मनी। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सेल, 17100 कर लेता हूँ सेल। और नेक्स्ट एक्सपायरी जाके यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं वही 17100 को जाके कर लूँगा बाय। ये हो गया। तो अभी मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट डे करके ट्रेंडिंग डे को पकड़ के देखता हूँ यहाँ पे 2000 का, यहाँ पे तो यहाँ पे इतना तक हुआ है या ट्रेंडिंग डे में भी। यहाँ पे आप अगर देखेंगे, हम देखो ट्रेंडिंग डे था ना ये, तो ये हर सिचुएशन में ही काम करेगा, बस आप लोगों को थोड़ा बहुत आना चाहिए। और अगर कभी कभार आप फंस जाओ तो दिक्कत हो सकता है, तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए ये कोर्स बनाया हुआ है। मैं एक मिनिमम प्राइस में, वह प्राइस मत देके, मैंने रिटेल ट्रेडर के लिए बनाया हुआ है जो लोग सीखना चाहते हैं स्पेशली, इसीलिए मैंने मनी बैक गारंटी दिया था कि लोग सीख पाए, विश्वास कर पाए, कुछ तो सीखने लायक मिलेगा। तो इसी वजह से मैंने दिया हुआ है, और यहाँ पे पूरे डिटेल्स और भी दिया हुआ है, तो आप एक बार एनरोल करके जरूर देखें ताकि आप लोगों को ही सहायता हो। इसलिए ही मैंने ये बताया, आप लोगों को वो सीक्रेट मिल जाएगा जो बड़े बड़े ट्रेडर इस्तेमाल करते हैं, अगर लॉसेस हो भी जाए तो उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, ऐसा ऐसा चीज़ें मैंने शेयर किया हुआ है, और भी काफ़ी कुछ है, जब आप एनरोल करेंगे तो आप लोगों को मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।